अनुराग का ब्याह हम भी तय कर दिए हैं। पुरुषोत्तम बाबू की बेटी सृष्टि के साथ। क्या कह रहे हैं आप? कौन तुलना है पुरुषोत्तम वकील और विकराल जी का? एकदम सही कहा आपने, एकदम सही। अरे कौनो तुलना नहीं है वो दोनों में। एक गुंडा बदमाश और एक ईमानदार आदमी में कभी तुलना हो भी नहीं सकता। अरे हमको क्या करना है उनका ईमानदारी से? ये केस तो जितवा नहीं पाते हैं। ऐसा फक्कड़ के घर में हम हमारे अनुराग का ब्याह नहीं करेंगे। हाँ राजा भोज और कहां गंगू? और अपना वर्चस्व और ताकत दिखाना? कौन गुंडा बदमाशी नहीं होता है। सिर्फ बात करने आए थे और 10 लाख रुपए देकर गए हैं, वो भी अनुराग को बिना देखे। दस लाख मतलब तुम दोनों ने दहेज भी ले लिया। दहेज लेना कौन पाप है का? अरे हमने कौन जबरदस्ती नहीं किया था उनके साथ, वो खुद ही आए थे। और ये पूरा रकम नहीं है, ये रिश्ता का शुरुआत का शगुन दिए हैं। वाह श्रीमती जी वाह, बहुत बढ़िया। मतलब बेटा को बेचना भी तय कर लिया आपने। जी नहीं, लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी थी और हमने स्वीकार कर लिया। वो खुद ही आए थे और लाखों के दर्शन देकर गए हैं। लाखों दे के जाना और लाखों में एक होना, ये दोनों में बड़ा अंतर है श्रीमती जी। जितना जल्दी समझिएगा ना, बाकी का उम्र चैन से कटेगा। अरे इस घर को धन की लक्ष्मी नहीं चाहिए, एक एक संस्कारी बहू चाहिए। और जितना हम जानते हैं ना पुरुषोत्तम बाबू को, उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार ही दिए होंगे। पापा आपकी चाय। पापा आपकी चाय। बेटा तुझे पता कैसे चल जाता है कि मुझे चाय पीने की तलब हो रही है? पापा हमें आपकी हर जरूरत का पता चल जाता है। जैसे आज फिर से आप कॉपी करने का शॉर्टकट भूल गए ना? हाँ ना। चल एक बार फिर से बता दे। देखिए कितना आसान, ऐसे कमांड और सी को प्रेस करना है बस, और पेस्ट करने के लिए कमांड और वी। अरे वाह, समझ गए ना? अच्छा समझ गया, बस यही नहीं कर रहा था मैं, अभी मिल जाएगा। हाँ ऐसे। अच्छा पापा माँ, हम पूनम के घर जा रहे हैं कंबाइंड स्टडी के लिए। अरे नाश्ता तो करती जाओ ना। नहीं माँ हम लेट हो जाएंगे। सुमित जाके छोड़ के जा। कोई बात नहीं पापा, हम चले जाएंगे, भैया को परेशान करने का कोई जरूरत नहीं। सवाल के जाना। जी अभी शादी तय नहीं हुआ है, खाली शादी का बात हुआ है। जिसमें सबकी राय होगी वही किया जाएगा। अरे माँ हम जो भी कर रहे हैं ना, बहुत सोचने और समझने के बाद ही करना है, और वही करेंगे भी। इस दलदल से बचने के लिए हम सारी जिंदगी भागते रहे, उस दलदल में जीते जी ना तो हम घुसेंगे ना किसी को घुसने देंगे। हाँ इस बात का दुख जरूर है माँ, ये हमारे अपने घर वाले, इन्हें पैसा की चमक के सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता। पैसा और ताकत कौन खराब चीज है का? रिश्ता सामने से चल कर आया था और हमने स्वीकार कर लिया, इसमें हर्जी क्या है?
और ये जग जाहिर बात है, लक्ष्मी रिश्ता का गांठ को मजबूत करता है। यहीं, यहीं सरस्वती की जरूरत पड़ती है, जो बुद्धि देती हैं, जिससे इंसान ही समझ पाता है श्रीमती जी कि रिश्ता पैसा से नहीं जुड़ता। अरे रिश्ता तो प्यार और संस्कार से मजबूत होता है और उसी में घर का भला होता है। वो तो देख रहे हैं हम, देख रहे हैं कि इस घर का कितना भला हो गया है। अरे सबका बुद्धि धरा का धरा रह गया है, इसलिए हम कह रहे हैं अनुराग का ब्याह ना रागिनी से ही होगा, उसी में इस घर का और सबका भला है। हमने तो आज तक नहीं देखा कि किसी गुंडे से किसी का भला हुआ। और सुन लीजिए, हम किसी भी कीमत पे किसी गुंडे की बेटी के साथ अपने अनुराग का ब्याह नहीं करेंगे। अगर ब्याह होगा तो पुरुषोत्तम बाबू की बेटी सृष्टि के साथ, नहीं तो कहीं नहीं होगा। हम भी उपक्कड़ की बेटी के साथ हमारे अनुराग का ब्याह नहीं करेंगे। आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, अनुराग का ब्याह होगा तो सिर्फ विकराल की बेटी रागिनी के साथ, नहीं तो कहीं नहीं होगा। अनुराग भैया आ गए, अनुराग भैया आ गए, अनुराग भैया आ गए। अब शादी होगी कि बर्बादी? नारद, लगाओ ससुरे को निशाने पे। हम अभी अपनी नई घर लेकर आते। जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। रागिनी जी, रागिनी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमको जाने दीजिए, हम माफी मांगते हैं। चुप। रागिनी दीदी के सामने माफी मांगना दूसरा गलती होता है। चलिए वहाँ जाके शांति से खड़ा हो जाइए। बिजभान जी, कल हमारा बेटा पराग सगुन का सारा सामान लेकर आपके घर पहुँच जाएगा। एक बार ही सगुन वाला शुभ काम हो जाए। अच्छा रखते हैं, नमस्कार। अरे बेटा जी, बंदूक लेके कहाँ जा रही है? बाबूजी, आज सोच रहे हैं कि इस बंदूक का थोड़ा सा टेस्टिंग कर ले। बंदूक का टेस्टिंग? किसी का जान लेगी का? अरे कहने तो दीजिए इसको अपना बात, लगती है अपना आंकने। हाँ बेटा जी बताइए। बाबूजी, दुट्ठो काम है, सोचा दोनों इकट्ठे कर लेते हैं, हमारे निशाने का थोड़ा टेस्टिंग भी हो जाएगा और ऊ विजेंदर ठेकेदार उसको उसका सबक भी मिल जाएगा। अरे अरे रुको तो। आप भी ना मना नहीं कर रहे और हंस रहे ऊपर से। अरे गजब करती हैं आप, हंसे नहीं तो क्या रोए? अरे बिटिया है, शौक पूरा कर रही है। ये कैसा खेल है? किसी दिन किसी की जान लेगी हूँ। पूछो नहीं होगा ऐसा, फालतू में परेशान हो रही हैं आप। परेशान ना हो तो क्या करें, कुछ दिन में ससुराल जाएगी, वाह ये सब नहीं चलेगा। कौन कहे चार गुण सकुर के सीखने को, और ये है जो दिन पे दिन नया रंग दिखा रही है। ससुराल जाएगी तो कैसे जिम्मेवारी संभालेगी? जिम्मेवारी? कैसा जिम्मेवारी भाई, वो वहां ससुराल में जिम्मेवारी निभाने नहीं जा रही है, राज करने जा रही है। रुपया दे के लड़का खरीदे हैं, कोनो हाथ जोड़ के रिश्ता नहीं जोड़े।
शुरू हो गया दिवाली। दीदी जी क्या दागे हैं? हमको जाने दिए जय रागनी जी, हमको पूरा सबक मिल गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम बहुत अपना औकात दिखाए हो कमजोर औरतों पे, अब थोड़ा हमारा निशाना भी तो देख लो। आपका निशाना बहुत अच्छा है। हाँ, हमको लगता है कि हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल हो जाएगा तुम्हारा? ज्यादा बोलो मत, नहीं तो हमारा जो निशाना है वो चूक भी जाता है। क्या बात है रागिनी, क्या बात, ये तो तुमने गजब निशाना लगाया। लेकिन ये जो एक ठुम मटका बचा है, इसको तुम आंख मून के फोड़ सकती हो? फोड़ के दिखाओ। आंख मून के क्या बात कर रहे राग भैया, ऐसे ठीक है रागनी जी, ऐसे चलाइए। विशु भाई, तुम्हारी नई चमचमाती गाड़ी, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी कार है। थैंक यू भैया। वेलकम। ये आपके लिए, लाइए हाथ दीजिए। कैसी लगी? अनुराग बेटवा, तुमने तो दो दिन पहले ही आके हम सबको चौंका दिया। दादी, चौंकाना तो मैं आप सबको चाहता था, लेकिन यहाँ आकर तो मैं खुद ही चौंक गया। मुझे लगा माँ और पापा मुझे अचानक से देख के खुश होंगे, लेकिन यहाँ तो बेफालतू की लड़ाई चल रही थी। ये लीजिए चाचा, आपके। अनुराग बेटा, तुम्हारा ब्याह का बात हमारे लिए फिजूल का बात नहीं है। जिस ब्याह से कोनो फायदा ही ना हो, वो फिजूल का ही तो हुआ। शादी ब्याह में फायदा नहीं देखा जाता। अरे तो बस अपने परिवार के संस्कार से एक नए सदस्य को जोड़ने का विधि है भाई। इसमें नफा नुकसान कहां से आ गया? बेटा वो पुरुषोत्तम बाबू है ना, हमारे मित्र जी, उन्हीं की बेटी सृष्टि से हमारे ब्याह का बात चलाए हैं। देखे हैं लड़की को, बहुत ही नेक और संस्कारी लड़की है। सृष्टि वो जो मेरे साथ स्कूल में थी वो? हाँ हाँ बेटा वही। अरे अभी एलएलबी की पढ़ाई कर रही है और ये लास्ट ईयर है उसका। हाँ, फिर इस घर में आकर हम सबको कानून सिखाएगी वो मैडम। हाँ कानून सिखाएगी ना, तो इसमें गलत का है? अरु, जिसको आप लाने की बात कर रही हैं वो तो सीधा गोली मारना सिखाएगी। कि यही सिखाया उसे बिकराल सिंह ने जिंदगी भर? हम कुछ नहीं जानते, इस घर की बहू रागिनी ही बनेगी। इस मामले में तुम्हें भी कुछ कहना है तो कह लो। माँ देखिए, सच कहूं तो मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शादी करके घर में बहू लानी है तो किसी शरीफ परिवार की लाए ना कि किसी गुंडे की बेटी। और मिल गया हमें तुम्हारा जवाब, और आप सबको भी हमारा जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। माँ अब लो एक नई दशरथ कहानी।
रागिनी अम्मा जी, अब अपने आने जाने का टाइम ठीक कर लो, ये सब ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारा ब्याह तय किया है, जल्द तुम्हें ससुराल जाना होगा। हमारा ब्याह? हाँ बेटा जी, आपका ब्याह। बाबूजी, आप जो है ना ये ब्याह करट अब छोड़ दीजिए। अब आप देखिए, आप इतनी मुश्किल से लड़का ढूंढ के लाते हैं, वो जैसे ही आपकी रागिनी का राग देखता है लड़का खुद बैराग लेने के लिए भाग खड़ा होता है। बेटा जी, जो आपके सामने खड़ा नहीं हो सका वो आपके लायक नहीं था, लेकिन ये वाला एकदम जबरदस्त है। अच्छा, ऐसा का खास बात है इसमें? अरे इलाका का एकदम टॉप लड़का है भाई, इम्पोर्टेड, सात समंदर पार का। सात समुंदर पार? अनुराग नाम है उसका, लंदन में पढ़ाई किया है, आपके साथ उसका जोड़ी एकदम हार्ड रहेगा। पर तो अंग्रेजी बहुत ही जबरदस्त बोलता होगा। अंग्रेजी? अरे पूरा का पूरा अंग्रेजे है। ए जी, वो लोग कब आ रहे हैं हमारी रागिनी को देखने? लो फिर आप माथा लगा दिए ना, का है कोई खराबी है का हमारा बेटी में जो लोग देखने आएंगे? सीधा बारात आएगा दरवाजा पर, उसी का तैयारी कीजिए। अरे तू कहाँ चल दी? अरे अम्मा, शादी हो या कुछ भी हो, हमारे आने जाने का टाइम ऐसे ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शादी करके घर में बहू लानी है तो किसी शरीफ परिवार की लाए ना कि किसी गुंडे की बेटी। गुंडे की बेटी? माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ आप जानती हैं, वहां लंदन में कोई माँ बाप अपने बच्चों की शादी नहीं तय करते। एक उम्र के बाद बच्चे खुद अपनी पसंद अपने माँ बाप को बताते हैं और शादी कर लेते हैं। बल्कि लंदन में क्यों, अब तो यहां भी ऐसा होता है। लेकिन मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी शादी मेरी माँ की पसंद की लड़की से हो। बचपन से ही अपनी शादी के अरमान मैंने आपकी आंखों में देखे। मां सच मानिए, मेरी ऐसी कोई पसंद नहीं है, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि इस घर में एक ऐसी लड़की आए जो आपकी इज्जत कर सके, मां हमारे इस घर को जोड़ के रख सके, हमारे हमारे संस्कारों को समझे। और जिस लड़की की बात आप कर रही हैं ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं।
रमा खुश रहा, खुश रहा। नाते माँ, वो पुरुषोत्तम बाबू है ना, उनका बेटा सुमेर आज अपने अनुराग के लिए शगुन लेकर आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने चाहा तो सब कुछ राजी खुशी हो जाएगा। हाँ माँ, बस एक बार ये ब्याह अच्छे से निपट जाए ना, मन की सारी चिंता दूर हो जाएगी। हो जाएगा बेटा, पकड़ वकील का बेटा को भी आज ही आना था, ऊपर से पराग बाबू भी शगुन लेकर आएंगे, अगर दोनों मिल गए तो बंटाधार हो जाएगा। ना ना, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा।